Hey guys, welcome back to Espo the Savvy. और IPL का एक हफ्ता पूरा हो चुका है एंड आज हमारे साथ है KKR और RCB का फैन बिकॉज दिस वाज द लास्ट मैच दैट वाज बीइंग प्लेड और इसी के साथ सिर्फ GT और पंजाब है जो अभी तक अनबीटन है. वेरी सरप्राइजिंग दैट GT तो है ही लेकिन पंजाब इज अ सरप्राइज फैक्टर ओवर देयर. सो गोइंग मतलब इनके बारे में बात करने से पहले हम जाएंगे RCB और KKR की. तो पहली बात तो KKR फैन फाइनली एक विन, टॉप ऑर्डर फायर नहीं किया और लॉर्ड शार्दुल बचा लिया. मतलब दैट वाज अ मैग्निफिसेंट इनिंग. मतलब अंदर तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. वो पैट कमिंस का इनिंग्स था वो. यस हां, केकेआर एंड आरसीबी गो लॉन्ग बैक फ्रॉम द फर्स्ट मैच ऑफ आईपीएल टिल टुडे. तो मतलब केकेआर दो जीत चुका है, आरसीबी नहीं जीता, तो उनके बीच में एक अलग ही बैटल है. वो उनके लेवल का ही है. मतलब वो टाइटल कौन जीतेगा ये नहीं, बट आपस में क्या होना चाहिए क्या है वो KKR and RCB they have their settled to score बहुत पहले से है. And I was happy, मुझे लगा आज की मैच गई. मतलब 12 ओवर आई थिंक 87 पे 5 हाथ का मैच था एक्चुअली RCB का. तो वहां पे तेरे को लगा विकास क्या, मतलब RCB ने किया कुछ तो गलत किया करण शर्मा को फोर्थ ओवर नहीं देके या और एक स्पिनर को लाके वहां पे? नहीं यार, मतलब थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गए मुझे लगता है आफ्टर फाइव. मुझे लगता है मतलब द वे इवन आई सेलिब्रेटेड आफ्टर एंड्रू रसल्स विकेट, मेरे को लगता है कि पूरा कैंप भी थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गया होगा शायद, क्योंकि यू डोंट एक्सपेक्ट शार्दुल ठाकुर टू डू दीज थिंग्स. मतलब एटलीस्ट इतना नहीं यार, मुझे पता था कि 20-30 मार लेगा, चल हो गया. लेकिन उसके बाद में भी 89 for 5 और दो उसके बाद में 205 पे अगर खत्म हो जाता है. और क्योंकि 205 के साथ ना बॉलिंग टीम हमेशा मैच में रहती है, तुम कुछ भी कर लो. तो और मतलब मैच में क्या हुआ, तो मैच में तो स्टार्टिंग से ही थी. मतलब आई इवन थॉट कि KKR वाज वन ओवर शॉर्ट. मतलब पहले ही मुझे लगता तो चौथे ओवर में ही आ जाएगा नारायण या चक्रवर्ती. बट लाइक हिज लाइक स्वप्निल सेड कि KKR और आरसीबी का कुछ अलग ही चलता है. आई थिंक मेरे लिए एज एन आरसीबी फैन ना, मुझे KKR बहुत ज्यादा ही हॉन्ट करते हैं. आई हैव सम हॉन्टेड मेमोरीज, बीट रसल, बीट वो 115 रन वाला नारायण का इनिंग्स, वो कुछ अलग ही है. एंड आई थिंक दिस शुड बी द इजिएस्ट KKR स्क्वाड इन द रीसेंट हिस्ट्री जो होना चाहिए था आरसीबी के लिए. एक्चुअली मतलब जहां तक मेरे मैचअप देखा था तो KKR मतलब स्टार्टिंग में मैंने सोपली से बात किया कि KKR इस साल है ही नहीं, दिख रहे नहीं मुझे. और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्या इतना. मतलब द फर्स्ट मैच KKR प्लेड वो उसने शो कर दिया कि दे लैक इन ऑल द डिपार्टमेंट. बैटिंग है, था बॉलिंग है, कुछ भी नहीं है और डेप्थ भी नहीं, बैक स्ट्रेंथ भी नहीं, तो बैटिंग भी नहीं है और बेंच भी नहीं है. तो वहां पर लगा था कि प्रॉब्लम होएगा, बट ये मैच थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था. मेरे को लगा नहीं था वरुण चक्रवर्ती ये मैच स्टार्ट भी वैसे ही हुआ कि लॉस्ट द विकेट, वो गुरबाज खेल गया. एग्जैक्टली 125 में भी खत्म होते तो भी हमने शायद 123 ही बने थे शायद, है ना. वो दैट वाज 130 एंड यू गॉट आउट फॉर 49. कोहली एंड डुप्लेसी ने स्टार्ट किया, चार ओवर तोड़ दिया. मैं बोला नहीं यार, लेकिन दैट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड. मुझे ये तो लग ही रहा था कि जैसे ही वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण आता है, वरुण चक्रवर्ती के बारे में नहीं लेकिन सुनील नारायण, या सुनील नारायण के विकेट कॉलम में इतने ज्यादा विकेट्स नहीं दिखेंगे लेकिन आई थिंक ही मेक्स मोर इम्पैक्ट देन एनीवन एल्स इन द टीम. यस यस ही ऑलमोस्ट वो तुमको वो लगता है कि वो चार साइड में रखो, उसके बारे में कुछ सोचो ही मत. उस चार ओवर्स में तुमको रन ही नहीं बनाने. पाफ और कोहली का जो फर्स्ट मैच का जो पार्टनरशिप था, मतलब उनको सबको लगा गया दिस इज द टॉप ऑर्डर जो अभी फायर करेगा और वो तो चले गए. तो मतलब उधर ही सडनली कुछ हल्का मतलब कुछ हो गया और हर्षद पटेल आया तो मेरे को लगा मतलब वो इट वाज गॉन. कोलैप्स थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बोल्ड हुआ देन दूसरा बोल्ड हुआ देन तीसरा बोल्ड हुआ एंड जो बैटिंग लाइनअप भी चेंज हुआ. आई डोंट नो व्हाई चार बोल्ड हो गया, पांचवा रिवर्स शॉट भी हो गया. आई थिंक हर्षद पटेल विकास वो अश्विन वाला गलती कर दिया आरआर जैसा, जरूरत नहीं था. मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक इनके ओवर्स खत्म करने के लिए, मतलब चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण के बॉल शायद सी ऑफ करने के लिए भेजा गया था. लेकिन यार जब 205 का टारगेट है तब तुम उन दोनों के 8 ओवर्स तो सी ऑफ कर ही नहीं सकते ना. तुमको चाहिए रन तो उनसे भी चाहिए. तुम 12 ओवर में 205 तो बना नहीं सकते, सो यू नीड रन फ्रॉम देम एज वेल.
मुझे लगता है कि बस तुम एक ये कर रहे थे कि तुम तुम्हारे मेन बैटर्स को बचा रहे थे, लेकिन मेन बैटर्स में से भी तुम्हारे ऑलरेडी अगर तुम्हारे साफ विराट और मैक्सवेल आउट होने के बाद में तुम्हारे क्या मेन बैटर्स बचे और लेकिन अबाउट द सीजन मे बी I think अनुज रावत को जल्दी ला सकते थे वहां पे उसको अनुज रावत चाहिए ही नहीं था. अनुज रावत से बेहतर बैट्समैन था महिपाल लोमरो जो स्पिनर्स को अच्छी तरीके से टोंग कर सकता था. अनुज रावत उतने नीचे बैठता ही नहीं है. अनुज रावत इज अ पावर प्ले बैटर बट मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज द फर्स्ट टाइम 9 विकेट स्पिनर्स ने लिए. वो भी हर्षल पटेल बीच में आ गए, ये शार्दुल ठाकुर आ गया था वरना वो भी कोई मतलब कितने खराब बॉल पे विकेट लिया और उसने भी नहीं तो 10 विकेट हो जाते पता है. शार्दुल ठाकुर का जब दिन होता है ना वो कुछ भी कर सकता है. कुछ भी कर सकता है. इमेजिन वो बॉल पे कुछ भी मतलब वो बॉल एक तो वाइड था उसको उसने कैसे तो निक कर दिया और वो फील्डर भी इतने पास खड़ा था कि वहां पर भी चिपक गया. राजस्थान को हराया मतलब ऐसा भी नहीं किया कोई कच्चा टीम राजस्थान जो स्ट्रॉन्ग टीम रहे तो पंजाब इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग विद दैट बॉलिंग लाइनअप और रबाड़ा मतलब हम लोग तो एक्चुअली रबाड़ा इज मोर ऑन रेप्यूटेशन बट रबाड़ा अभी तक आई थिंक 2020 में पर्पल कैप प्लेयर 2020 में 2020 में पर्पल कैप लिया था. 2020 बाहर गया था नहीं 2020 में हर्षल पटेल ने लिया था. अच्छा तो वही आई थिंक उसके लास्ट एक सीजन या डेढ़ सीजन इतने अच्छे नहीं गए लेकिन बिफोर दैट ही हैड दैट रिकॉर्ड कि एवरी मैच ही हैड अ विकेट एवरी मैच तो बड़ा वो मिसिंग है लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छा किया और वहां पे मतलब प्रभसिमरन सिंह मतलब वो भारी यार मतलब ये कल नए नए लोग आ रहे प्रभसिमरन सिंह फिर जीटी के लिए कौन खेला साई सुदर्शन सो आई गेस वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर्स मुंबई तिलक वर्मा तिलक वर्मा ओह क्या खेला हो तिलक वर्मा एक्चुअली वो मैच आईसीबी खा गया लेकिन मुंबई के लिए वो खेला अच्छा खेला मतलब वो मैच साई नहीं तिलक वर्मा खेलता नहीं था तो मैच बहुत ही वन साइडेड था. वो तिलक वर्मा ने ना नेट रन रेट कम कर दिया थोड़ा अपने साथ बहुत बहुत भारी इनिंग्स था तो वो मेरे को अच्छा लगा. अभी तुम लोग की सबसे लाइक विकास तेरे को क्या लगता है व्हाट एक अच्छा सरप्राइज पैकेज क्या था ये साल का अभी तक एक हफ्ते में. सरप्राइज पैकेज मतलब तुमने जितने सारे नाम लिए है ना बेसिकली तू एक एक चीज सेंस कर सकता है दैट इज इंटेंट फ्रॉम द यंग प्लेयर्स. तू यशस्वी जायसवाल का गेम देख तू तिलक वर्मा का गेम देख तिलक वर्मा गेम अवेयरनेस जब तुम आता ही स्टार्टेड विद अ सिक्स उसको जब मैक्सवेल आया बेसिकली मैक्सवेल को लाया इसलिए क्योंकि मैचअप्स की तू लेफ्टी को ऑफी के खिलाफ लेकिन तिलक वर्मा को भी पता था कि मैक्सवेल उनका सेवेंथ बॉलर है सो उसने उसको वहीं से स्टार्ट कर दिया. सो तिलक वर्मा यशस्वी जायसवाल जितना भी छोटा छोटा इनिंग्स देख रहा यू सी इन इंटेंट प्रभसिमरन इंटेंट जितेश शर्मा इंटेंट कल ध्रुव जुरेल ने जो खेला वो भी तू जो जो सारे प्लेयर्स देख रहा है ना इट्स ऑल अबाउट लाइक दे आर हंग्री टू प्रूव आउट देयर एंड आई थिंक वो मेरे लिए बहुत कमिंग बैक टू अगेन ऋतुराज गायकवाड़ जो दो सीजन से अपने को मतलब लास्ट सीजन उसका खराब गया एक सीजन पहले जो वंडर्स थम एंड ही लुक्ड एफर्टलेस जो पहला इनिंग जो दोनों इनिंग जो उसने खेला लुक्ड एफर्टलेस तो मेरे को लगता है कि वो एक काफी सरप्राइजिंग था. एंड सरप्राइजिंग में वही आया कि हमने एक्चुअली cricket.com पे हमने काफी लोगों के प्रेडिक्शंस लिए थे नो वन मतलब हमने टॉप फोर प्रेडिक्ट करने के लिए बोले थे और हमारे कुछ ना 10-15 लोगों का कुछ ग्रुप होगा नो वन प्रेडिक्टेड पंजाब किंग्स इन टॉप फोर अभी वो बात तो रहे बट नो वन प्रेडिक्टेड पंजाब किंग्स इन टॉप फोर बहुत बहुत हार्ड है पंजाब किंग्स को देख के वो फीलिंग नहीं आता है ना सुपील मतलब हम लोग जब पंजाब किंग्स में बात तो आता नहीं कि विनिंग टीम वाला फीलिंग नहीं आता है. हम लोग वही बोल रहे थे कि इट विल बी वन ऑफ द लास्ट टीम्स टू एट द बॉटम क्योंकि नोबडी टॉक्स अबाउट देम नोबडी टॉक्स बट एक्चुअली तो दो मैच बहुत अच्छे खेले शिखर धवन है शिखर धवन आई थिंक ही हैज गिवन अप कि देखो मुझे अभी इंडिया के लिए नहीं मिलेगा चांस तो समवे वो और कूलली खेल रहा था इसलिए ये वाला इनिंग्स उसने बहुत अच्छा खेला. आई थिंक शिखर धवन एपिटमाइजेस पंजाब किंग्स 11 किसी पे उसको कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है हम लोग खेलेंगे कोई देख नहीं रहा है लेकिन हम लोग खेलेंगे लाइक धवन कितना यार 6000 रन हो गया उसका भी इतना करने के बाद भी कोई उसको भाव देता नहीं लाइक पंजाब भी अभी जीता है लेकिन पीपल आर नोटिसिंग जीटी अभी टेबल पे टॉप पे और जीटी तो मतलब राइट जीटी बिकॉज़ दे हैव कंटिन्यूड देयर फॉर्म कि जो पिछले साल खेला वही इस साल खेल रहे एंड आई थिंक दे वेंट विद द सेम डीएनए
मतलब सेम पैटर्न है उनका, वैसे ही करेंगे, एंड आके ये खत्म करेगा, वही कैमियो डेविड मिलर खेलेगा या कोई और खेलेगा, वो उसी पैटर्न से जा रहे हैं। हां वो डेविड मिलर राशिद खान और देवर कोई तो मारेगा। थैंकफुली यू मेंशन फॉर्म, नहीं तो लोग अभी भी लकी 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 बोल, बट इट कैन नॉट बी लक इतने लंबे टाइम तक, तुम्हारा एक 12 महीने होके जा रहा है और तुम अभी भी बात कर रहे हो कि भाई वो वाइब टीम है, वो अपने मस्त मस्त इसमें चल रही है, एंड दिस समवन और द अदर जो बेल आउट कर देगा उनको टाइम पे। yes, समझ yes. ले ये हो गया, जीटी का ही वो रिकॉर्ड है कि लास्ट ईयर मोहम्मद शमी को बैटिंग नहीं मिली सारे मैचेस खेलने के बावजूद, और इस साल भी उसने दो मैच बैटिंग दी, मतलब दे डोंट नीड द टैलेंट, वो उसके पहले ही खत्म कर दे, मतलब दे आर दैट स्ट्रांग एंड दैट कॉन्फिडेंट। जी जीटी का एक खास है ना, मतलब हार्दिक पांड्या जो हम लोग स्टार ऑलराउंडर बोलते हैं स्पेशली शॉर्ट फॉर्मेट में, उसने अभी तक फुल पोटेंशियल पे काम ही नहीं किया है, लाइक फुल बैटिंग नहीं किया है। जब मुंबई इंडियंस के लिए जो धोता था वो पोलार्ड के साथ, वैसा बैटिंग नहीं वो अपना अलग, वैसे भी थोड़ा चिल हो गया, वो ठंडा हो गया, उतना हिटिंग करता ही नहीं, अभी थोड़ा सेंसिबल खेलता है, और बॉलिंग तो कमी कर दिया, तो फिर बॉलिंग भी नहीं है। वो सहा के साथ उन लोग खेल रहे हैं यार, और सहा क्या खेलता है जीटी के लिए ओपनिंग में, मुझे लगता है सबका रोल पक्का है ना वहाँ पे। सहा को मालूम है मुझे 6 ओवर के बाद में टिका नहीं टिका मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे 6 ओवर में अगर भाई अगर तुमको वृद्धिमान सहा जैसा टॉप विकेट कीपर ठीक है आके तुमको 15 बॉल में 27-28 अगर रन दे दे, दैट इज इनफ फॉर यू ना। 15 बॉल मतलब क्या, तुम आधा पावर प्ले खेल रहे हो, मतलब एक पावर प्ले पूरा खेल रहे हो तुम्हारे पार्टनर के साथ, एंड व्हेन यू हैव शुभमन गिल एट द अदर एंड, तुमको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली वो एक तो जीटी का जैसा तुमने बोला सब लोगों का रोल डिफाइंड है, आई थिंक दैट इज व्हाई जीटी इज स्टिल देयर ऑन टॉप। पंजाब है है अभी तो वेरी अर्ली स्टेजेस, एक ही हफ्ता हो गया, दैट इज मेरे को एक क्विक रिकैप देखना था, व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट ऑल टीम्स, ऑल द टॉक ऑफ द टाउन इज धोनी, वो 2 बॉल में 2 सिक्स मारा, एंड व्हाट आई थिंक मैं वही बोलने आ रहा था कि द हाईलाइट ऑफ द लास्ट वीक हैज बीन धोनी, आया 3 बॉल खेला 2 सिक्स मारा गया। फर्स्ट मैच तो फिर भी मेरे को लगा टाइम था, सेकंड मैच मेरे को लगा 2 बॉल में 2 सिक्स मारना इट इज नॉट इजी, और वो भी अलग अलग ग्राउंड पे, एक पॉइंट के ऊपर से थीर था और एक स्क्वायर लेग के ऊपर से गया, तो वेरी डिफरेंट प्लेसेस, एंड आईपीएल का रेटिंग तो कलेक्टिवली धोनी ने ये अब तक ये हफ्ते में अबाउट 8 से 10 बॉल खेले होंगे, उसके अंदर 3 सिक्स मार चुका है। वो कितना उसका सिक्स कितना हो गया अभी आईपीएल में, 200 ऐसा कुछ सर? आउट हां, लेकिन गेन विलियमसन तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोलूंगा मैं उनके लिए, फालतू में गेन विलियमसन को बिठा टीम में बिठाना पड़ता था उनको। भाई साई सुदर्शन हैज डन व्हाट सरफर व्हाट पीपल हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम सरफराज खान टू डू ऑल ऑफ दिस इयर्स ऑलरेडी। यस सरफराज खान मतलब इस पे बैठा है बस, और मतलब आर यू गाइस सरप्राइज विद डीसी या फिर तुम ये एक्सपेक्ट ही कर रहे थे ये सीजन? Not surprised, but we expected better from DC, going by the ammunition they had. मतलब मिचेल मार्श पहले first match में 0 पे गया, second match भी कुछ इतना खास किया नहीं उसने, तो we expected better. हाँ, DC से थोड़ा क्या है वहाँ का management, like in the way that new captain है, they don't have Rishabh Pant, तो somewhere ऐसा है कि they are making up. They are just settling down. So, शायद एक दो matches लगे और to get the perfect combination. Back to Reece Topley तो गया. Hazelwood आएगा, Hasaranga आएगा. तो maybe RCB का bowling good comparatively जो foreigners में से था. Bracewell has done much better. मुझे लगता है Glenn Maxwell पूरा season का तो बारे में पता नहीं है. अगर depends वो कैसे workout हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैक्सवेल को बाहर रख के गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट अगर मैक्सवेल प्रोड्यूस नहीं करता है कोई इनिंग्स, तो शायद मैक्सवेल को बाहर रख के ये आ सकता है वापस, ब्रेसवेल आ सकता है।
मैं तो पता नहीं, मुझे आज मतलब लाइक टिपिकल आरसीबी फैन, मैं तो आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे इंडिया को मारा था उसने और मैच लेके गया था, मुझे लगा आज भी कुछ ना कर दे। लेकिन सोपिंग तेरे साइड से, मतलब केकेआर के साइड से या आईपीएल के साइड से, एनीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अभी एक नेक्स्ट वीक? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जेसन रॉय, कि अगर जेसन रॉय आता है विद हिज फॉर्म तो वो तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज वी आर हैवीली लैकिंग टॉप ऑर्डर बैट्समैन, बिकॉज नीतीश राणा भी कुछ कर नहीं रहा, वेंकटेश अय्यर भी कुछ कर नहीं रहा, गुरबाज खेला अच्छा, मनदीप भी कुछ नहीं कर रहा, तो वी नीड सम गुड क्वालिटी बैटर। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ऋतुराज गायकवाड का फॉर्म एंड शुभमन गिल का फॉर्म कैसे रहता, बिकॉज दैट विल बी गुड फॉर इंडिया। यस, ऋतुराज खेलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। वो है लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू यूजी चहल, ही डिड वेल एट द स्टार्ट, लुकिंग फॉरवर्ड कि वो भी कैसे करता है। सब लुकिंग फॉरवर्ड, लेकिन चहल मतलब वो तो टीम में है, आई थिंक उसका मतलब टीम ही ऐसा स्ट्रांग है दैट the entire bowling unit will do together. That's it, we'll wrap up yes. the preview, and maybe we'll come after agar kuch matches kuch acha laga, ya maybe the next week thoda table upar niche ho jayega, maybe GT loses, Punjab wapas apna normal form pe aa jayenge, to thoda baat karne ke bhi acha rahega. Thank you guys, see you next week, thanks everyone, bye bye bye, good night.